हेलो दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान डाइट का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। हर एक महिलाएं ड्राई फ्रूट खाती हैं, पर कौन से ड्राई फ्रूट का सेवन गर्भवती महिला को करने चाहिए ताकि एक एक अंग को ताकत मिले और गर्भ में शिशु का विकास सही तरीके से हो, ये जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से ऐसे चार ड्राई फ्रूट के बारे में बात करने जा रही हूँ जो एक प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत जरूरी होता है। ये चारों ड्राई फ्रूट को खाना बहुत जरूरी होता है ताकि आपके एक एक अंग को ताकत मिले, आपके शिशु का विकास सही तरीके से हो। तो आइए जानते हैं ये चार ड्राई फ्रूट कौन कौन से होते हैं। बादाम तो अधिकतर महिलाएं खाती हैं, पर हाँ दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, एक इसमें से बादाम भी है, क्योंकि बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन ई होता है। एक कप बादाम में 529 कैलोरी होती है। प्रेगनेंसी में बादाम खाने से बड़े सारे फायदे होते हैं। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, शिशु के दांतों और हड्डियों के विकास में मदद मिलती है। ये पोषक तत्व बच्चे के मस्तिष्क के विकास को बढ़ावा देते हैं और जो वजन कम होता है ये समस्या नहीं होती है। बादाम बहुत जरूरी है, भीगा हुआ बादाम रोजाना खाएं, 4 से 5 बादाम भी खाएंगी तो भी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। उसके बाद बारी आती है खुबानी की, ये दूसरे नंबर पे है। खुबानी में फाइबर, कॉपर, विटामिन ए और विटामिन ई होता है। इससे गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे शिशु के बेहतर विकास में मदद मिलती है। विटामिन ए इम्यून सिस्टम को मजबूती देता है और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। कॉपर से अंगों और मांसपेशियों को अपना कार्य करने में मदद मिलती है, जबकि विटामिन ई प्रीक्लेम्पसिया और हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम को कम करता है। अब मैं बात करूंगी आपका पसंदीदा खजूर की। खजूर प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी है। खजूर खाने से आयरन, फाइबर और कैल्शियम मिलता है। खजूर में उच्च मात्रा में आयरन होता है जिससे एनीमिया से बचाव होता है। इसमें मौजूद फाइबर महिलाओं को कब्ज से बचाता है। खजूर में कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है जिससे माँ की हड्डियाँ मजबूत होती है और बच्चे की हड्डियाँ और दांतों के बेहतर विकास में मदद मिलती है। यह शिशु के नर्वस सिस्टम को भी मजबूत करता है, कैल्शियम प्रीक्लेम्पसिया और हाई ब्लड प्रेशर से बचाने का काम करता है। दोस्तों, अखरोट एक प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत जरूरी होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। यह पोषक तत्व शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाओं के बेहतर विकास में बढ़ावा देता है। इससे इम्यून सिस्टम भी हेल्दी रहता है। अगर आप अखरोट के अलावा किशमिश भी खाती हैं तो बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, ये आयरन और फाइबर से भरपूर होती है और प्रेग्नेंट महिलाओं को एनीमिया से बचाती है। आपको अखरोट का सेवन जरूर करने चाहिए। ऐसे तो देखिए सभी महिलाएं अखरोट, बादाम, खुबानी, खजूर का सेवन करती हैं, पर कितनी मात्रा में खाना है ये भी जानना जरूरी है। ये चार ड्राई फ्रूट बहुत जरूरी होता है शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए, शिशु के शरीर के विकास के लिए और प्रेग्नेंट महिला को ताकत देने के लिए। गर्भवती महिला को अगर ताकत नहीं मिलेगा तो अपने बच्चे को कैसे जन्म देंगी। दोस्तों, आपको ड्राई फ्रूट का सेवन जरूर करना है, पर ध्यान रहे सीमित मात्रा में ही ड्राई फ्रूट का सेवन करना चाहिए ताकि आपको नुकसान नहीं हो। मैं आशा करती हूँ ये चारों ड्राई फ्रूट आप जरूर खाएंगी ताकि आपका एक एक अंग ताकतवर बन जाए, आपका शिशु भी हेल्दी पैदा हो और शिशु का विकास गर्भ में सही तरीके से हो ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मैं आशा करती हूँ ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी आपको। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।